फर्जी कॉल से उड़ाया आईटीबीपी जवान के 57,229 रुपए। शुक्री से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ आईटीबीपी जवान को फर्जी कॉल आने से धोखाधड़ी कर निकाल लिए 57,229 रुपए, जिसकी शिकायत करने आईटीबीपी का जवान पहुंचा एसपी ऑफिस। पूरा मामला ये है कि जितेंद्र कुमार आईटीबीपी करेरा को एक फोन पे कॉल आया जो एक ऑफर के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन जितेंद्र ने मना कर दिया और फोन काट दिया। पर 2 से 3 बार कॉल आने पर उन्होंने फोन उठाया और उसमें जितेंद्र ने जैसे जैसे फ्रॉड करने वाला बोलता गया वैसे वैसे जितेंद्र उसकी कमांड को फॉलो करते चले गए। फ्रॉड वाला बोलता गया कि आप जैसे फॉलो करेंगे वे आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसके खाते से 57,229 रुपए उड़ा लिए। फोन पे मेरे को कॉल आई 11 बजे के लगभग, तो सर मेरे को उनने बोला कि आपके लिए कोई ऑफर है। मैं कोलकाता से प्रवीण कुमार बोल रहा हूँ कि मतलब आपके लिए कोई ऑफर है। मैंने बोला सर कॉल मेरे को नहीं चाहिए, मैंने सर कॉल काट दिया। इसके बाद एक बार और भी आया सर, मैंने दोबारा काट दिया। तीसरी बार मैंने कॉल उठा लिया सर, तो उन्होंने बोला आपके लिए कोई ऑफर दिखा रहा है 4,800 रुपये का कुछ, तो बोले आप ऐसा करिए ये करिए मतलब इस पर क्लिक करो तो आपके उसमें अकाउंट में कुछ पैसा डल जाएगा। मैंने क्लिक किया सर, इसके बाद मेरे खाते से धीरे धीरे सारा पैसा कटता गया। तो ये पैसा कटा हुआ एक मोस्ट कटा क्या कुछ? नहीं नहीं सर, किस्तों में कटा है वो। तो आपके पास ओटीपी आई थी? ओटीपी नहीं आई सर, कुछ भी नहीं आया। क्या फिर कैसे कटा मतलब क्या कुछ आपने ऑप्शन दिया होगा? हाँ ऑप्शन वो बताते गए, मैं करता गया। अच्छा तो कितनी 4 बार में? वो 6-7 किस्त में कटा सर। कितना वो कटा सर? 57,229 रुपये। 57,231 रुपये आपका सर। तो अभी आपने आवेदन दिया है? हाँ सर मैंने आवेदन दिया है सर। क्या बोले सर? सर बोले हम कार्रवाई करेंगे उस पर। थैंक यू सर। हो जाए शिवपुरी के लोगों से मेरा एक निवेदन है, अभी लगातार हमारे देखने में आ रहा है कि साइबर के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें कई बार आपको फ़ोन आता है और साथ में कोई SMS या लिंक आती है और कभी व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं। मेरा निवेदन है कि जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं, या जिस जगह को जो बैंक है या कहीं से आया तो उस बैंक में पर्टिकुलर अपने खाते वाले बैंक में खुद जाके ही उन पर एंटरटेन करें। अदरवाइज़ ये होता है कि वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात कह के कि आपको आसानी हो जाएगी या आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा और SMS या व्हाट्सएप करते हैं और उसके बाद आपके फ़ोन का सारा डाटा हैक हो जाता है जब आप लिंक करते हो। कई बार आपको OTP भी आप बता देते हो कि उनकी बातों में आके, और ये बड़ी ऑर्गेनाइज गैंग चल रही है पूरे देश में ही भी चल रही है। और इसमें बेसिकली स्टार्टिंग इसमें नाइजीरियंस लोगों ने की थी, लेकिन अब बहुत हिंदुस्तान के भी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। तो हमको ये बिल्कुल मानना चाहिए कोई लाभ हमको किसी भी वजह से फ़ोन से नहीं मिलने वाला, नेट से नहीं मिलने वाला है, तो उसके चक्कर में ना पड़े और किसी भी तरह की इस चीज़ को इंटरटेन नहीं करें। ऐसा कोई फ़ोन आता है तो या तो आप उठाएँ तो उसको काट दें और उस पर कोई भी लिंक को क्लिक ना करें, देखने के लिए कोई लालच में नहीं पड़े। सर अभी एक ठगी का मामला सामने भी अभी आया है, तो उसमें क्या किया? इसमें बेसिकली एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि फ़ोन पे हम आपको चालू करा देते हैं, उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा वो फ़ायदा हो जाएगा। और ये व्यक्ति जो है ITBP का एक जवान है, इसका कहना था कि मैंने पहले मना किया कि आप फ्रॉड बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। बोले नहीं भाई मेरा नाम ये है, आप चाहो तो चेक कर लो, मेरा नाम यही आएगा ट्रू कॉलर में। उसने अपनी छोटा सा दिमाग लगाया कि ठीक है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और ये ट्रू कॉलर में भी नाम इस तरह से आ जाते हैं, और जो जिस नाम से सेव करता है 2-4 लोग उसके नाम अगर उसी नाम से सेव कर ले तो चाहे वो पुलिस SSP भी लिख सकता है और इंक्वायरी ऑफिसर भी लिख सकता है, CBI भी लिख सकता है, बैंक का GM भी बन सकता है। तो जिसको हम व्यक्तिगत जानते नहीं उस पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। वो फाइनली उसने व्यक्ति ने ITBP के जवान ने सोचा कि ये सही बोल रहे हैं उनका नाम यही है, तो एक लिंक भेजी तो बोले फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाएगा आपको ये फ़ायदे हो जाएंगे, तो फट से उसने इंस्टॉल करने की कोशिश की जिसमें उसके पैसे निकल गए। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। एक नया फ्रॉड ये भी आ रहा है कि फेसबुक में कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है और कई बार इसमें कोई मोह चेहरे आ जाते हैं जिसकी वजह से आदमी उनसे बात करने लगता है, और कई बार उसमें भी आप फ़ोन पे जो बातचीत करते हैं उसको किसी तरीके से बना कर या आपसे कोई फ़ोटो या वो वीडियो भिजवा कर साहब ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ें बात आप जब करते हैं तो 2-4 दिन में इस तरह की स्थिति बनती है और बाद में उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये भी कम से कम यहाँ पर शिवपुरी में इस तरह के 2-3 मामले सुनाई में आए हैं और काफ़ी बाकी जगहों पे काफ़ी हो रहा है। तो कृपया करके ध्यान रखिए कि जिसको आप नहीं जानते हैं कृपया करके उससे रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी भी चीज़ का बात जो होती है उस पर इंटरटेन ना करें।